ओम यज्जाग्रतुः दूरे मुदयेति दैवं तादु सुप्तास्य तथैवैति दूरंगं ज्योतिषामे ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। नव वर्ष आप सबके लिए अतिशय मंगलकारी हो, शुभ हो, आप सबकी सभी शुभ इच्छाएं पूर्ण हो। नव वर्ष की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी शंकाएं, बहुत सारी चीजें हमारे मन में आनी प्रारंभ हो जाती है और हम सोचते हैं कि हम नए वर्ष में ये संकल्प रखेंगे, ये डिटर्मिनेशंस को अपने जीवन का आधार बनाएंगे और इन मूलभूत सिद्धांतों पर अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। बहुत सी बातें उसमें पूरी होती हैं, बहुत सी बातें पूरी नहीं भी होती। कुछ चीजें परिस्थिति जन्य ढंग से खराब हो जाती हैं और कुछ चीजें हमारी अपनी भूलें और हमारी अपनी त्रुटियों से भी कहीं हमारे जीवन में पीछे छूट जाती हैं। लेकिन इस सब के बीच सबसे सुखद बात यह है कि हम सब एक साथ हैं, हम सब स्वस्थ हैं, हम सब एक दूसरे को देख सुन समझ पढ़ और एक दूसरे के संग साथ हो रहे हैं। ये एक अच्छा सुखद संकेत है क्योंकि पिछले 2 वर्षों में जिस तरह की ये बीमारी फैली है पूरे विश्व में, उसने कितने हमारे खास लोगों को, कितने हमारे प्रियजनों को हमसे विलग किया, हमसे अलग किया, उसका दुख तमाम उम्र हमें सालता रहेगा। अब इसके साथ जब हम बात करते हैं कि वर्ष कैसा रहेगा, हालांकि जो वर्ष 2079 आने वाला है, जो हमारा विक्रमी संवत के अनुसार 2079 और भारतीय ढंग में अगर हम देखें तो अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक 2022 ये शुरू हो जाएगा। अब कल से, कल की पहली जो प्रभात की किरण होगी, जो सूर्योदय की पहली आभा होगी, उसमें नूतन संचार लेकर के, नूतन संदेश लेकर के सूर्य कल उदित होगा और हमारे लिए नई तरह की आशाओं का संचार करेगा। तो इस वर्ष में अगर हम गणना करें उस वर्ष की, तो वो होगा चैत्र प्रतिपदा से प्रारंभ, जो 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा, 1 अप्रैल 2022 से। तो मुख्य जो गणनाएं हैं हम उसको ध्यान में रखकर करेंगे, लेकिन अगले 3 महीनों में भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें देखने को मिलेंगी और देखने को प्राप्त होंगी। इसमें बहुत सामान्य सी बात हम सबके मन में आती है कि हमारी राशि फला है और इस राशि के अनुसार हमारा जीवन कैसे रहेगा। देखिए, जब आप हमसे जुड़ते हैं और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं कि हमारा थोड़ा विधान, हमारा थोड़ा ढंग, हमारा थोड़ा काम करने का जो तरीका है थोड़ा सा पृथक है, थोड़ा सा अलग है। राशि में क्या होता है कि जो राशियां चल रही हैं संचार में, जो राशियां चल रही हैं ब्रह्मांड में और जो राशियां हमारे पूरे कॉस्मिक जोन में पंचांग के अनुसार चल रही हैं, उनका तो महत्व होता है, लेकिन अगर हम इसको नाम के साथ जोड़ करके देखें तो इसमें बहुत महत्व हमें देखने को प्राय प्राप्त नहीं होता। तो ये एक तरह से इससे अगर हम बचें भी तो अच्छा है। हाँ, अगर आपकी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान ठीक से निर्धारित है तो फिर आपका पर्टिकुलर, अब विशेष रूप से आप ही की जन्म पत्रिका को बनाकर आप ही की जन्म पत्रिका के अनुसार वर्ष फल का निदान किया जा सकता है, उसकी भविष्यवाणी की जा सकती है, उसके बारे में ठीक से बताया भी जा सकता है। तो ज्योतिष शास्त्र में कोई भी गणना कभी गलत नहीं हो सकती, ज्योतिषियों की गणनाएं गलत हो सकती हैं, जो ज्योतिष का कार्य कर रहे हैं उनके कैलकुलेशंस में कुछ फर्क आ सकते हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान में सारा कुछ एकदम से निर्धारित है, सारा कुछ एकदम से सुनिश्चित है। पिछले 5000 वर्षों का भी हम अवलोकन करें तो उसका पता लगा सकते हैं और अगले 5000 वर्षों का भी अवलोकन करें तो इसमें, उसमें 1 सेकंड की भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। कब ग्रहण होगा, कब सूतक होगा, कब क्या चीजें होंगी, क्या क्या दिशाएं होंगी, कब क्या चीजें होंगी, सबका पता उस हिसाब से लगाया जा सकता है। तो हम राशि में अगर हम बात करें, देखिए, एक श्रीराम है, राम है और रावण है, एक मारते हैं एक मरता है, कंस हैं और कृष्ण हैं, कृष्ण मारते हैं और कंस मरता है, ओबामा हैं और ओसामा हैं, एक मारते हैं और एक मरता है। तो एक ही दिन था ना दोनों के लिए, तो एक दिन समान कैसे हुआ फिर अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो उससे बचें। हाँ, सामान्य रूप से जो वर्ष है इसके जो राजा हैं, अधिपति हैं, वो शनि हैं, सैटर्न हैं और जो मंत्री हैं वो इसके गुरु हैं। गुरु परम सात्विक ग्रह हैं, बहुत अच्छे ग्रह हैं, सौम्यता को लिए हुए हैं, श्रेष्ठता को लिए हुए हैं, ज्ञान और विज्ञान को लिए हुए हैं। शनि थोड़े से क्रूर ग्रहों में शामिल होते हैं लेकिन परम न्यायशाली हैं और बहुत ज्यादा जस्टिस ओरिएंटेड हैं। जैसा व्यक्ति कार्य करता है उसको उसका परिणाम देने में उद्यत होते हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़, अब इसके इसके हम इन्हें कैसे ठीक कर लें,
कैसे अपने जीवन को अच्छा कर लें। ये तो होता है कि क्या 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 प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन उसको कैसे अच्छा कर लें। अच्छा करने का एक सामान्य तरीका है, जितने भी लोग सेवा संचार में जुड़े हैं, जितने भी लोग आपके सेवाकर्मी हैं, आपके चपरासी हैं, फोर्थ क्लास एम्प्लॉयज हैं, सड़क पर खड़े हुए आपके होमगार्ड्स हैं, चौकीदार हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, जो आपकी सेवा में रत रहते हैं, आपके घर में काम करने वाली नौकरानियां हैं, आपके घर में काम करने, आपके ऑफिस में काम करने वाले आपके सहयोगी हैं, ये सब किसी न किसी रूप में शनि को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ऑटो चलाने वाले हैं, रिक्शा चलाने वाले हैं, कहीं पहरा देने वाले हैं, कहीं किसी तरह की चौकीदारी करने वाले हैं, ये समस्त लोग शनि को रिप्रेजेंट करते हैं। शनिवार को दोपहर बाद 3 बजे से 7 बजे के मध्य ऐसी चीज जिसमें आटे का, मैदा का, तेल का, सरसों के तेल का और आलू का प्रयोग होता हो, ऐसी चीजों का दान करने से आपका शुभत्व बढ़ता है, आपके रोगों से आप मुक्त रहते हैं, बहुत सारी परेशानियों से बचे रहते हैं, कोर्ट कचहरियों से बचे रहते हैं, किसी प्रकार की चोट चपेट से बचे रहते हैं। इसको अगर हम कर लें, इन लोगों को दें, बांटें, अच्छा लगेगा आपको। इसी के साथ अगर एक छोटा सा कसार बना लें, एक ऐसी आटा, घी और चीनी को तवे पर या कढ़ाई में भून करके उसका कसार बना करके रख लें, डब्बे में भर के रख लें, और 4 चम्मच वो कसार या 5 चम्मच वो पंजीरी आप बुधवार और सैटरडे, बुध और शनि को यदि वृक्षों पर डाल दें, तो उस पर जो ब्लैक एंड ब्राउन आंट्स हैं, जो चींटियां हैं, वो उसको खा लेंगी, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, आप बहुत सारी दुर्घटनाओं से, बहुत सारी समस्याओं से बचे रहेंगे। जब करना प्रारंभ करेंगे तो आपको विश्वास भी पैदा होगा। अभी आपको लगेगा इस सबके करने से क्या हो जाएगा, लेकिन जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ की है। इसी के साथ रविवार को जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको अगर आप कुछ ब्रेड और दूध वगैरह फीड कराते हैं, उनको देते हैं, तो उससे आपको शनि के प्रकोप से और जो क्रूर ग्रह हैं उनके प्रकोपों से मुक्ति प्राप्त होगी। अब रहे गुरु, गुरु को ठीक करने के लिए आप ऐसे लोग जो भी गुरुजन हैं, हम बहुत सारे लोगों से, हम सिर्फ शिक्षक को ही गुरुजन मानते हैं, हम जीवन में प्रतिदिन हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, उनके प्रति हमें अहोभाव से भरा होना चाहिए, उनके प्रति हमें धन्यवाद से आपूरित होना चाहिए, उनके प्रति हम हर समय नतमस्तक रहें, इससे हमारे जुपिटर ठीक हो जाते हैं। जुपिटर हमारे जीवन में सोने का, हमारे संबंध का यानी गोल्ड का, हमारे रिलेशनशिप का, हमारे धन का और हमारी बहुत सारी चीज़ों का कारक होता है जो हमारे जीवन में, और ज्ञान का, और ज्ञान है तो फिर सब कुछ आ जाता है, शिक्षा का, इस सबको रिप्रेजेंट करता है, जैसे नाम से ही पता चलता है गुरु ग्रह, तो गुरु उन चीज़ों को करता है। तो गुरु में हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें, केसर का इस्तेमाल करें, सैफ्रान का इस्तेमाल करें, आप हल्दी का इस्तेमाल करें, है ना, ये सारी चीज़ें आपके लिए आयुर्वेदिक रूप से भी बहुत अच्छी हैं। इसी के साथ आप कढ़ी चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, अरहर की दाल का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पीले फलों का सेवन ज़्यादा करें, केलों को बांटें, केले खाएं, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल जितना अधिक करेंगे उतना आपको अच्छा होता चला जाएगा। पीले चंदन का तिलक करें, अगर आप कर सकते हैं तो पीला चंदन बहुत अच्छा रहता है। तो इन सब चीज़ों से, इन दो ग्रहों की जो युतियाँ चलेंगी वर्ष पर्यंत, ये आपको लाभ देंगी। फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 अप टू 31 मार्च 2023 के बीच में ये गणनाएं आपके लिए काम करेंगी। अब हम कुछ, जैसे हमारे भारत में एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के हमारे 2 सदन हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, ऐसे उनमें फिर पर्टिकुलर बहुत सारे मंत्रिमंडल है, और हर मंत्रिमंडल में हर व्यक्ति को कोई ना कोई अधिकार, कोई ना कोई चीज प्रदान की जाती है, उसी के अनुसार वो अपने कार्य गति को निर्धारित करते हैं। इसके आधार पर कुछ मैंने एक नोट बनाया, जब आप मुझे पता चला कि मुझे आपके लिए एक संदेश प्रसारित करना है, तो मैंने एक नोट बनाकर रखा है आपके लिए, उस पर मैं कुछ चीज़ें आपको शेयर करता हूँ कि किस तरह से ये रहने वाला है वर्ष आपके लिए। 2022 का वर्ष होगा, इसका विक्रमी संवत के अनुसार इसका नाम है नल संवत, नल वर्ष होगा, इसका नाम है नल, और इसका जो स्थान है वो माली के यहाँ होगा। तो ये एक छोटी सी टेक्निकल टर्म्स होती हैं हमारे शास्त्र में जो आती हैं, जब हम पंचांग की और उसकी बात करते हैं, अपने शास्त्र के ज्योतिष की बात करते हैं, तो इस वर्ष वर्षाएँ अधिक होंगी, धन धान्य की कुछ क्षति भी होगी और धन धान्य की उपज भी काफी होगी, ये हमें ख्याल में करना चाहिए। काफी वर्षाएं होंगी, उस वर्षाओं से कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। विक्रमी संवत 2079 में ग्रहों की जो आकाशीय काउंसिल है यानी ग्रह परिषद है, उसमें 10 अधिकार होते हैं मुख्य, उनमें से 5 अधिकार क्रूर ग्रहों को दिए गए हैं, उनको हम क्रूर, और 5 ही अधिकार सौम्य ग्रहों को प्राप्त हुए हैं। राजा धनेश जो हैं वो फसलों को, धातुओं को और कोषपति जैसे 4 महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हुए हैं गुरु को। इसके परिणाम ये होंगे कि विश्व के बहुत सारे देशों में विद्रोह की स्थितियां बनेंगी, क्योंकि शनि और गुरु की युतियां परस्पर बहुत अच्छी भी नहीं मानी जाती है। वायुयान दुर्घटनाएं, एयर क्रैश जो हवाई जहाज की दुर्घटनाएं बहुत हो सकती हैं, आतंकवादी खून खराबे में वृद्धि हो सकती है, परस्पर जनता में, लोगों में क्रोध और उत्तेजना
बढ़ी रह सकती है। लोभ और धन लोलुपता की भावना का विकास हो सकता है। झगड़े फसाद अग्निकांड भाप से मरना आग से मरना किसी तरह के संयंत्रों का फट जाना इस तरह की घटनाएं अधिक हो सकती हैं। कहीं कहीं सांप्रदायिक हिंसा की स्थितियां भी देखने में मिल सकती हैं और विश्व में भी रक्तपात राजद्रोह तख्ता पलट इस तरह की चीजें आपको देखने को प्राप्त होंगी। पित्त और गर्मी से संबंधित जो रोग होते हैं उनमें बहुलता होगी। बच्चों के प्रति थोड़ी क्रूरता का अभ्युदय होगा और खास बात यह ध्यान रखनी होगी इस वर्ष में जो भी कोविड कोरोना के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं अभी इनमें कोई गति इनकी थमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। इसमें नए वेरिएंट्स आ सकते हैं और 2022 में खास तौर से आपको बच्चों का ख्याल रखना है। जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं उनको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, उनके लिए थोड़ा सा नुकसानदायक ये समय हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे स्थानों पर गृहयुद्ध छदम युद्ध और विक्षुब्ध वातावरण की स्थितियां बनेंगी। बहुत सारे लोग पलायन की स्थितियों में होंगे, बहुत सारे देशों से लोग बहुत सारे अन्यत्र देशों में जाने का प्रयास करेंगे। ये क्रूर ग्रहों के प्रभाव हैं, लेकिन मंत्री जो गुरु हैं उनके जो प्रभाव हैं वो थोड़ी भलाई और कल्याण के कामों में भी प्रयासरत रहेंगे। हमारी जो प्रशासनिक क्षमता प्रशासनिक लोग हैं वो ऐसे कार्यों में करते हुए दिखाई देंगे जो विकास से जुड़ी हुई योजनाएं हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो पिछले वर्षों से चल रही थी और पूर्ण नहीं हो पाई वो योजनाएं इस वर्ष पूर्ण होती हुई प्रतीत होंगी और भारत बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत सारे फील्ड्स में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ऐसी स्थिति आ सकती है कि भारत बहुत तेजी से दुनिया के 4 या 5 देशों में ही खड़ा हुआ दिखाई दे। अभी जीडीपी की अगर हम बात करें तो उसमें भारत लगभग आज भी दुनिया के जो 4 प्रमुख देश हैं उन देशों में 4थे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है, पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है और तीसरे नंबर पर आपका यूरोप के कुछ देश आते हैं, चौथे नंबर पर भारत आ जाता है। तो भारत की 8.2 जीडीपी दर है तो ये अभी और बढ़ेगी, तो इसमें हमारी जो स्थितियां हैं बहुत अच्छी होंगी। विकास से संबंधित स्थितियों में देश बहुत प्रगति करेगा। जब हम सस्येस की बात करते हैं तो सस्येस में कृषि निर्शेष धातु और कोषपति धनेश ये ग्रह ये टेक्निकल टर्म्स हैं। ये तीनों की तीनों स्थितियां शनि को प्रदान की गई हैं जिससे लोहे में स्टील में कोयले में पेट्रोल में डीजल कलपुर्जे ऊनी और गर्मी गर्म जो वस्त्र होते हैं उनमें लकड़ी दालचीनी छोटी इलायची काले चने गेहूं उड़द जितने प्रकार के दालें सोना चांदी इनके भावों में वृद्धि होगी, इनके भाव तेज होंगे। बहुत सारे प्रदेशों में बाढ़ और प्राकृतिक प्रकोपों से खड़ी हुई फसलें नष्ट होने की संभावनाएं हैं। साधारण जनता में लोगों में राजनेताओं में परस्पर वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप बढ़ेंगे, कानूनी लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। लेकिन शीतकालीन फसलों का स्वामी शुक्र है तो उस वजह से गेहूं जौ चावल आदि का उत्पादन अधिक होगा। ये हमें इस तरह का अगर हम देख लें तो ये कुछ चीजें मिली जुली हमें प्राप्त होती हैं। मेघेश यानी वर्षा का जो स्थिति है और दुर्गेश जो सेना का जो कार्यक्षेत्र है वो चतुर अस्थिर और चालाक ग्रह बुध के प्रास है इस समय, तो बुध उसको गवर्न करेंगे तो उससे वर्षा अधिक होगी। व्यापारिक बुद्धि लोगों की तेज चलेगी और अच्छी पैदावार से लोगों में बहुत तरह की समृद्धि का भी विकास आपको देखने को प्राप्त होगा। और यहां पर अगर हम देखें तो एक चीज आ रही है कोष धन का स्वामी शनि भी है तो इससे क्या होगा प्रशासनिक अधिकारों में थोड़ा सा स्वार्थ और भ्रष्ट और निर्दयता और निर्भयता का भी विकास होगा। लेकिन जिस तरह से हमारी सरकार की योजनाएं आगे फलीभूत हुई हैं उन पर पूर्ण नियंत्रण की भी स्थितियां दिखाई दे रही हैं तो ये एक बात है। इसके साथ साथ आपको कुछ और चीजें हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। जो दुनिया की कुंडली है, देखिए अगर हमारे पास किसी भी चीज की कुंडली विशेष रूप से प्राप्त हो जाए तो बहुत सारी चीजों को बताया जा सकता है। जैसे मुझसे प्रश्न पूछा गया कि सलमान खान और राहुल गांधी इनकी शादी इस वर्ष हो सकती है कि नहीं, असल में इनके चार्ट अगर ठीक ढंग से मिल जाएं तो उसका कैलकुलेशन हो जाता है ठीक से। लेकिन अगर हम प्रश्न लगन से देखते हैं तो ये वर्ष भी ऐसे ही मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है जैसे पुराने वर्ष गए हैं। अगर हम विश्व की लग्न कुंडली देखें तो नववर्ष प्रवेश के समय में काल सर्प योग गुरु शुक्र सूर्य शनि जो वृद्ध ग्रह हैं इनके मध्य समसप्तक योग बन रहा है जिससे भारत और दुनिया में आश्चर्यजनक विस्फोटक तख्ता पलट ग्रह युद्ध और आतंकी घटनाओं की वृद्धि हो सकती है। मुस्लिम बाहुल्य जो देश हैं खास तौर से पश्चिमी एशिया के जो देश हैं वहां धार्मिक विध्वंसता बढ़ेगी और यूरोप रूस और अमेरिका भी इससे बच नहीं पाएंगे, कहीं ना कहीं उन तक भी इसकी लपट पहुंचेगी और युद्धमय वातावरण में जनता पलायन करेगी। खासतौर से अफगानिस्तान में तख्ता पलट की स्थिति
दिखाई दे रही है और वहां ऐसा हो सकता है कि मई जून के आसपास वहां फिर से कुछ नए ढंग से चीजें बने और जो तालिबानी सरकार है उसमें नेतृत्व परिवर्तन बने। अफगानिस्तान, इराक, लेबनान, यमन, पाकिस्तान, इन मुस्लिम देशों में राजनीतिक उथल पुथल और परिवर्तन की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। इनमें आंतरिक युद्ध भी छिड़ सकता है, गृह युद्ध की बात होगी और जैसे जनसंहार भी होगा, काफी लोगों की मृत्यु होने की संभावना इसमें दिख रही है और दुनिया ऐसी घटनाएं इस आते वर्ष में हो सकती हैं कि दुनिया खड़ी होकर के आश्चर्यचकित होकर देखे कि यह घटना किस तरह से क्या हो गई। 27 जून से 10 अगस्त के मध्य मंगल और राहु का योग बन रहा है, सूर्य शनि के मध्य सम सप्तक योग बन रहा है, जिसके परिणाम ये होंगे कि थोड़ी सी स्थितियां कड़वी और जहरीली प्रतीत होंगी और दुनिया में बहुत सारे लोगों को उनको देख करके मन व्यथित होगा। शनि भी वक्री हैं तो इस्लामिक जो देश हैं इजराइल में युद्ध में वातावरण होगा, हवाई अड्डों पर आक्रमण और बम विस्फोट आदि की घटनाएं देखने को प्राप्त हो सकती हैं। सोने और कॉपर में बहुत असाधारण वृद्धि देखने को प्राप्त हो सकती है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैंने बताई। इसके साथ ही 13 अगस्त से 8 नवंबर 2022 के बीच में भाद्रपद महीने से कार्तिक मास के मध्य खप्पर योग बन रहा है, जिससे देश में थोड़ी महंगाई में वृद्धि होगी, भ्रष्टाचार में वृद्धि हो सकती है और सरकार उन पर नियंत्रण करने के लिए काफी अपनी तरफ से कोशिशें करेगी। इसी बीच जो जनसंख्या को लेकर के एक बिल हमारा आना है और उसके अलावा जो और कई सारे बिल हैं, महत्वपूर्ण बिल, उनके भी पास होने की संभावनाएं भारतीय उसमें हैं, तो कुछ नए कानून बनेंगे जिससे देश नए ढंग से नई प्रगति की ओर अग्रसर होगा। जो चुनाव होने हैं कुछ राज्यों में, जिनमें पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, गोवा और मणिपुर है, इनमें भाजपा के कहीं वोट प्रतिशत में कमी भी आएगी और कहीं वोट प्रतिशत बढ़ेगा भी, लेकिन सत्तारूढ़ जो राज्य हैं उनमें पुनः सत्ता प्राप्त करने में भाजपा सफल होती प्रतीत दिख रही है। जैसे उत्तराखंड में थोड़ी बहुत सीटें इधर उधर हो जाएंगी, कुछ नए लोग भी, नए चेहरे भी सामने आ सकते हैं, कुछ जो चेहरे चल रहे हैं उन चेहरों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भाजपा की यह सरकार उत्तराखंड में बनने की संभावनाएं बन रही हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ संकेत और स्पष्ट रूप से हैं कि वहां योगी ही पुनः मुख्यमंत्री के रूप में आरूढ़ होते प्रतीत हो रहे हैं। यही स्थिति हिमाचल प्रदेश में दिख रही है कि वहां भी जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनके ही मुख्यमंत्री बनने की या भाजपा के ही शासन की फिर से वहां पुनरावृत्ति होने की संभावनाएं प्रतीत हो रही हैं। पंजाब में त्रिकोणीय संघर्ष होगा, वहां ऐसा लगता है कि गठबंधन के साथ सरकार बनने की संभावनाएं बनेंगी। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिनके आधार पर भविष्यफल किया जाता है, वर्षफल किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आप लोगों से ये भी कहूंगा कि वर्षफल तो होता ही होता है, हम वर्षफल के साथ साथ अपने अपने कर्मों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा अपने जीवन का हर्षफल निर्मित कर सकते हैं, खुशियों का समय निर्मित कर सकते हैं। तो वर्ष फल पर ही केंद्रित ना रहें, हर्ष फल को भी केंद्रित करें, लोगों से ऐसा व्यवहार करें जैसा व्यवहार आप स्वयं के साथ किया जाना पसंद करते हैं, पर्यावरण की दिशा में काम करें, कुछ काम ऐसे जरूर करें प्रतिदिन, 4-5 काम ऐसे जरूर करें जो शुभ और कल्याणकारी हों, जो अच्छे हों, पेड़ लगाएं, पौधों में पानी दें, पशु पक्षियों की सेवा और संरक्षा करें, चिड़ियों को दाना डालें, जो भी कर सकते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करें जिस व्यक्ति से आपका कोई सरोकार नहीं है, जिस व्यक्ति से आपका कोई रिश्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी जो ताकत है, सबसे बड़ी जो शक्ति है वो प्रसन्नता की है और प्रसन्नता प्राप्त होती है अच्छे कार्यों को करने से। अच्छे कार्य जब हम करते हैं तो हमारी रूह को गिजा प्राप्त होती है, हमारी आत्मा का परिष्कार होता है, हम कहीं हमारे अंतस में कुछ फूल खिलता है और हम जीवन को अच्छी दिशा में प्रेरित करने की ओर अग्रसर होते हैं। सुख भरे सारे पल हों नए साल में, सुख भरे सारे पल हों नए साल में, मुश्किलें सारी हल हों नए साल में, जिन सवालों से हम सब परेशान हैं उन सवालों के हल हों नए साल में। ओम स्वस्ति अस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव कर्णं अरमस्तु, आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव कर्णं